तुम ही दिल में रहोगे चुपके से हमेशा, तुम ही दिल में रहोगे जैसे रातों को है चांदनी दी रोशनी होले से, तुम ही दिल में रहोगे चुपके से हमेशा, तुम ही दिल में रहोगे। मैं कामिनी तस्लिमा चक्रवर्ती। आप लोग यही सोचते रहती होगी कि अजीब सा नाम है मेरी, हिंदू मुस्लिम जुड़कर ये क्या नाम रखा गया। इसका कारण जानोगे नहीं आप लोग, मैं बोल रही मैं एक हिंदू ब्राह्मण परिवार की लड़की हूँ। एक मुस्लिम जर्नलिस्ट मिस्टर आलमगीर चौधरी से मैंने प्यार करके शादी की थी। आलमगीर कभी मुझे मेरी नाम या पदवी बदलने के लिए नहीं बोले थे और फोर्स भी नहीं किए थे, वो मुझे प्यार से तस्लिमा नाम से पुकारते थे। हम लोग बहुत खुश थे अपनी जिंदगी में। मैं तब प्रेग्नेंट थी 7 महीने का। अचानक एक दिन कुछ गुंडों ने मेरे पति का मर्डर कर डाला, बीच सड़क में मार डाला उसको, और पुलिस ने उसको रोड एक्सीडेंट बोल के चला दिया। मेरे पति का गुना यही था कि उन्होंने एक बहुत बड़ा मिनिस्टर के खिलाफ कुछ लीक रहे थे, उसका कारनामा का पर्दा फाश कर रहे थे वो। कुछ दिन लोग मोमबत्ती जला के रास्ते में बैठ के शोक मनाया, धरना लगाया, धीरे धीरे सब ठंडा हो गया, सब लोग भूल जाने लगे आलमगीर को। गुनेगार लोग तो खुलेआम घूम रहा था। मिनिस्टर के खिलाफ केस था इसलिए पुलिस भी कुछ नहीं कर रही थी, खामोश हो गई थी। मेरे पति का देहांत होने के बाद मैं खुद मेरी नाम के बीच उसका दिया हुआ तस्लिमा नाम जोड़ दी थी। इंसान मर गया तो क्या हुआ, उसका दिया हुआ नाम तो है ना, नाम जिंदा होना चाहिए। बस यही सोच के तस्लिमा नाम मेरी नाम के बीच मैं डाल के रखी थी। मैं यही सोची थी मेरी बेटा ये बेटी जो भी हुए उसको लेके मैं अपनी ज़िंदगी गुजार दूँगी, उसका याद के सहारे जी लूँगी अपनी ज़िंदगी। लेकिन भगवान हो या अल्लाह जो भी हो, उनको वो भी मंजूर नहीं था। डिलीवरी का टाइम मेरी बच्चा मर गया। ये सब होने का 1.5 साल की बाद मैं जर्नलिज्म का काम चालू की। घर बैठे बैठे डिप्रेशन होने की वजह में दिमाग काम नहीं कर रही थी, तो मैंने सोची जर्नलिज्म का काम क्यों ना शुरू करूं। कम से कम बाहर घूम घूम के न्यूज़ कलेक्शन कर सकती हूँ, कुछ लिख सकती हूँ, अपने आप को बिजी रख सकती हूँ, उसमें दिमाग भी अच्छा रहेगी और जिंदगी भी बिता सकती हूँ। 1 महीने के अंदर ही मेरी बॉस भी मुझे पसंद करने लगे मेरी काम देख के, मेरी काम से बहुत खुश होने लगे। सभी ऑफिस का एम्प्लॉई मेरी अंदर आलमगीर को देखते थे,
वो लोग भी बहुत खुश थे मेरी काम से। मैं भी अपना 100% देने लगी मेरी काम को। मैं भी खुश थी और वो लोग भी मेरी काम से बहुत खुश थे। एक दिन ऑफिस से घर लौट के आलमीरा साफ कर रही थी मैं। आलमीरा साफ करते करते अचानक कुछ डॉक्यूमेंट्स और एक पेन ड्राइव मिली मुझे। मैं उस डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से पढ़ी और पेन ड्राइव को लैपटॉप में लगाई। आलमगीर जितना सारा सबूत वो मिनिस्टर के खिलाफ जमा किए थे सब उस पेन ड्राइव के अंदर मुझे मिलने लगा। मैं सारे डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा की और उसको लेके अपने आने वाले कदम उठाने के लिए तैयार होने लगी। फिर मैं आलमगीर का अधूरा काम पूरा करने के लिए अपना काम शुरू की। शुरू हुई मेरी नई लड़ाई। मुझे भी बहुत सारी कठिनाई का सामना करना पड़ा। हेलो मैडम, काम अच्छा नहीं कर रही हैं आप भी आपकी पति जैसा ही काम कर रही हैं। हट जाइए रास्ते से, नहीं तो आपका भी हालत वैसा ही होगा। समझ गई ना आप? कौन? जमराज। यमराज हो या कोई भी, कल कोर्ट में ही मिलेंगे और आखिर में सत्य की ही जीत होगी, समझे? जा रही हूँ।